बदायूं में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। जानकारी के अनुसार पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम को सहसवान तहसील के इलाके में जमाती की सूचना मिली थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मरीज को बरेली में भर्ती कराया, जहां जांच के बाद आई उसकी रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। जैसे ही ये जानकारी बदायूं जिला प्रशासन को मिली, तुरंत प्रशासन की टीम ने भवानीपुर खल्ली गांव के आसपास के 14 गांव को पूरी तरह से सील कर दिया है। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीज से मिलने वाले सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी करीब 43 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। वहीं डीएम ने बताया कि पॉजिटिव मरीज की सूचना छिपाने पर प्रधान और पूर्व प्रधान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जी, ये दूसरा पॉजिटिव केस आया है, ये भी सहसवान में ही उसी इलाके से आया है जहाँ से हम लोगों ने पूर्व में जिस एरिया को सील किया हुआ था, उससे जस्ट बगल में एक गाँव है भवानीपुर खल्ली, वहाँ का है। वहाँ के प्रधान द्वारा एक तो अवगत हमें नहीं करवाया गया था, कई सूचनाएं जो सूचनाएं हमने मांगी थी कि बाहर से कितने लोग आए हैं वो भी नहीं दिया गया था। साथ ही साथ प्रत्येक गांव में हमने कहा था एक क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए, क्वारंटाइन सेंटर उनके द्वारा नहीं बनाया गया था। और जिनके द्वारा क्वारंटाइन सेंटर के लिए जगह दी गई थी, जिन व्यक्ति के द्वारा, उनका भी विरोध किया जा रहा था प्रधान द्वारा सार्वजनिक रूप से। तो इन चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए हमने उनके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट में और आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई की है और उनकी पावर को सीज कर दिया है। सर, जिले में कुल कितने केस हो गए हैं? कुल अभी तक जिले में 2 केसेस पॉजिटिव केसेस आए हैं। और बाकी कितने की रिपोर्ट आना शेष है? अभी करीब 40-43 की रिपोर्ट आना अवशेष है। हमारे कुल 48 रिपोर्ट्स जो हैं आ चुकी हैं, जिसमें कि 2 पॉजिटिव और 46 निगेटिव आए। उसके अलावा और हमने जो लिए हैं 45 के करीब केसेस, उसकी रिजल्ट अभी अवेटेड है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस तबलीगी जमातियों की तलाश में लगातार कार्रवाई कर रही है। तबलीगी जमातियों से जुड़े कई लोगों में कोरोना के लक्षण मिले हैं। बदायूं से राहुल सक्सेना की रिपोर्ट।